हल्की बारिश में अगर औरंगाबाद जलमग्न होता है तो उसमें सबसे पहला स्थान औरंगाबाद नगर परिषद कार्यालय होता है, और कार्यालय के सामने वाली मुख्य सड़क होती है जो जलमग्न पूरी तरह से हो जाती है और नज़ारा जो है वह देखने लायक होता है। नमस्कार मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज़। देखिए अभी मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद के नगर परिषद के पास, नगर परिषद कार्यालय के पास है, और बगल में हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक नाली का निर्माण जो है वह हो रहा है। पूर्व से ही यह नाली बना हुआ था जिसकी जीवनोद्धार जो है या फिर इसमें मरम्मती का कार्य जो है वह चल रहा है। ज्ञात हो कि बीते 2 सप्ताह पूर्व हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें पूरी तरह से जो है नगर परिषद कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय के सामने वाला जो मुख्य सड़क आपको दिख रही होगी जिसे आज घेराबंदी कर दिया गया है वह पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। हम वीडियो में दिखाने का प्रयास करें कि उधर जो गाड़ी जा रही है वह पूरी तरह से बारिश होने के बाद जलमग्न हो जाती है, और उसके बाद से नगर परिषद का नियंत्रण खुला है और नाली का जो है वह मरम्मती का कार्य कर रही है, क्योंकि इस नाली का पानी जो है वह पूरी तरह से बारिश का पानी से भर जाती है, और जब भर जाती है तो इसका पानी जो है वो ओवरफ्लो होकर के और रोड पर चला जाता है। वहीं बगल में जो नगर परिषद कार्यालय है वह भी पूरी तरह से भर जाता है। लोगों को काफ़ी देर तक परेशानियों का सामना बारिश के पानी से करनी पड़ती है। इसके मद्देनज़र जब हमने खबर चलाया तो नगर परिषद की नींद खुली, और नींद खुलने के बाद नगर परिषद ने इस नाला का निर्माण जो है वह जीर्णोद्धार कर दी है, साफ सफाई करवा दी है। जब हमने इस विषय पर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद से बात किया था तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि नाली में जो है वह गंदगी भर गई है, और पानी जब बारिश वाली होती है तो ओवरफ्लो हो करके पानी रोड पर चल जाती है, जिससे कि बारिश की पानी के रोड पर आने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। वहीं नगर परिषद भी पूरी तरह से भर जाती है, लेकिन अब नाली का निर्माण होने से हम दिखा देंगे कि नाली का निर्माण हो जाने से संभवतः जो है वह रोड पर जो पानी आती थी बरसात वाली वह पानी संभवतः अब नहीं आएगी, इसका निराकरण जो है वह कर लिया गया है। नगर परिषद ने इसका काम जो है वह पूरी तरह से कर लिया। हम दोनों तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे, इधर भी नाली का निर्माण नाली जो है उसे ऊंचा कर दिया गया, हाइट बढ़ा दी गई है ताकि पानी जो है वह इसी से हो करके और आगे बढ़ जाए, क्योंकि इस नाली का जो हाइट था वह कम था, रोड के बराबर था, तो बारिश की पानी जब भरती थी तो रोड ओवरफ्लो होकर के और जम जाती थी, जिससे काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब संभवतः परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग जो हैं वह नित्य दिन नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठते हैं और उनकी यह चौकड़ी होती है, तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपने बारिश की पानी में नगर परिषद को डूबते हुए देखा होगा और मुख्य सड़क भी डूब जाती है। पूरा डूबती है, मुख्य सड़क डूबती है, उसे तो काम लगा हुआ है। लेकिन अब जो है वह नाला का निर्माण कराया जा रहा है, उसकी जीर्णोद्धार कराई जा रही है और उसकी हाइट जो है बढ़ाई जा रही है, क्या लगता है उससे अब समस्या दूर हो जाएगी? हाँ, निजात मिल जाएगा, तत्काल जो निजात है वो मिल जाएगी। हाँ। जोर शोर से काम लगा हुआ है नगर परिषद द्वारा, जनता के नज़र में आया तो उसको लिया, नगर परिषद अपना में लिया, संज्ञान में लिया। अब काम चालू कर दिया, काम धगाधग चल रहा है, दिन रात दोनों चल रहा है। चलिए, ठेले वाले भाई हैं, अब भाई साहब आप दुकान प्रत्येक दिन यहाँ लगाते हैं जी, तो अब पानी जो है वह लगातार भर जाती होगी यहाँ? भर रहा था, बराबर भर जाता था, बारिश में भर जा रही थी। अब नाला का निर्माण जो हो रहा है उससे क्या होगा, समस्या दूर होगी? समस्या दूर करने के लिए अब कर रहे हैं, बना रहे हैं। कैसा भरा रहता था वो? तो पूरा भरा रहता था, पूरा नज़ारा खूब देखने लग रहा था। हाँ, तो देखिए दुकानदार भाई भी बता रहा है कि नज़ारा देखने लायक रहता था, लेकिन अब नाला का निर्माण हो जाने से इसकी समस्या जो है वह पानी की समस्या जो भर जाती थी वह दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।